नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताने आया हूं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई खटास तो नहीं है, पति पत्नी में अलगाव की समस्या तो नहीं हो गई, या फिर दाम्पत्य जीवन की समस्या इतनी बढ़ गई कि बात आ चुकी है तलाक पर। तो कैसे ये दाम्पत्य जीवन की समस्या खत्म होगी? कौन से ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा करते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतकर पति पत्नी दोनों मिलकर इस अलगाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? लेकिन हर दिन की भांति सबसे पहले जानिए आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके शत्रु शांत हो सकते हैं। आप इस मंत्र को अपनाइए, हर तरीके से शत्रुओं से सुरक्षित रहें। बढ़ते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ। दिनांक 5 मई 2022, दिन गुरुवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे, राहु काल जिससे सभी लोग डरते हैं वह समय कौन सा है? दोपहर में 1:30 से लेकर और 3 बजे तक का यह समय है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बेहतर। दिशाशूल होगा दक्षिण दिशा का, दिशाशूल होगा दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको जाने की मनाई है। यदि बहुत जरूरी आपको जाना भी है तो प्रभु का स्मरण करके और थोड़ी सी पीली मिठाई का सेवन करके आप जरूर जाएं। अब आपको बताते हैं विषय की ओर आते हुए कि कौन कौन से ग्रहों की युति के कारण और कौन कौन से ग्रहों के आपके दाम्पत्य जीवन में बैठने के कारण ये परेशानी बढ़ती जाती है और उलझती ही जाती है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही ग्रह यदि कमजोर हो जाएं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी और समस्या बहुत सारी आ जाती है। सप्तम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि होने से या आपकी जन्म कुंडली के सातवें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर सूर्य के बैठने से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव होने लगता है। यानी पति पत्नी दोनों के ही बीच में हर तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो जाता है। तो इन ग्रहों के सप्तम भाव में बैठने से आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल मच चुकी है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट घुल गई है, वो कैसे कम होगी ये भी आपको बताएंगे। और कभी कभी जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती हैं, इस चीज को भी आपको समझना होगा। यदि आप वैवाहिक जीवन के लिए कुछ उपाय करने जा रहे हैं तो कुछ उसमें सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। कैसे करनी है वो सावधानियां? देखिए, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन पापी ग्रहों की दृष्टि ऐसा होने नहीं देती। एक बार जब भी आप कोई उपाय शुरू करें तो कम से कम 27 या 49 दिन तक इस उपाय को लगातार करते रहें, आपको फायदा दिखने लगेगा। ऐसा ना हो कि आप 1 या 2 दिन उपाय करें और आप कहें कि आपको फायदा नहीं हुआ और आप उस उपाय को बंद कर दें। देखिए, नकारात्मक ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है वो इतनी जल्दी कम नहीं होता, तो उपाय को क्रमानुसार लगातार करते रहिएगा। उपाय के दौरान अपने ईस्ट का, अपने कुलगुरु का, अपने पितरों का बिल्कुल भरोसा रखिएगा। आज किचन से एक विशेष सामग्री आपके घर में आर्थिक जो संकट आ चुका है उसको खत्म कर सकती है। लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी व्यापार में बदलाव ना करें, धन किसी को उधार भी ना दें, मिश्री या मिठाई का दान जरूर करें, शुभ रंग होगा आपके लिए नहीं। बात करते हैं वृष राशि की, लंबी यात्रा का योग है, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, दिन में थोड़ा सा दौड़ भाग बढ़ेगी, घबराइएगा नहीं, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की, बड़े भाई का सहयोग मिलने वाला है, परिवार में कोई भी झगड़ा ना करें,
यात्रा को आज टाल दें, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। तो बात हो रही है आपके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी दोनों ही मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद बनाएं। देखिए दोनों की ही ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, तभी कुछ बातें वो बैठकर समझकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोनों ही मिलकर कुछ शयन कक्ष के अंदर बदलाव यानी कि अपने बेडरूम में बदलाव करके भी वो इन चीजों में सुधार ला सकते हैं। हमेशा पत्नी को पति के बाएं ओर ही सोना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। सोने के लिए हो सके तो एक ही तकिए का प्रयोग करें यदि जरूरत है तो, वरना आप तकिए का प्रयोग ना करें। अलग अलग गद्दों का या तकियों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। शयन कक्ष का रंग या तो हल्का गुलाबी रखें या हल्का हरा रखें। कभी भी शयन कक्ष में गाढ़े रंग जैसे काला, नीला, लाल रंग प्रयोग बिल्कुल ना करें। सोने से पहले प्रतिदिन अपने कमरे में देसी कपूर किसी मिट्टी के दिए में रखकर जरूर जलाएं। ऐसा लगातार आप कुछ दिन करते रहें, आपको बहुत फायदा होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, हमेशा सोते समय अपना सराहना या तो दक्षिण दिशा की तरफ रखें या फिर पूर्व दिशा की तरफ रखें। अब समय हो चला है कर्क सिंह कन्या के राशिफल को जानने का, वो भी जानते हैं। कर्क राशि, नए व्यापार में अभी कोई निवेश ना करें। वाहन चलाने में आपको लापरवाही नहीं करनी। मान सम्मान की प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग होगा आपके लिए केसरिया। बात करते हैं सिंह राशि की। शाम को अपने समय से घर पहुंच जाइए। उधार दिया हुआ धन आपको मिलने का योग बन गया है। संतान प्राप्ति का योग भी है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब आपको बता दें कि कैसे छोटी छोटी सावधानी अपनाकर पति पत्नी दोनों ही अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर कर सकते हैं, किस तरीके के उपाय अपनाने चाहिए, दैनिक दिनचर्या में क्या उनको करना है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए शुक्रवार का दिन हो विशेष तौर पर तो पति पत्नी दोनों मिलकर कपड़ों की या फूलों की खरीदारी जरूर करें। जब भी आप कोई फूल खरीदें हो सके तो अपने शयन कक्ष में जरूर रखें और साथ में शुक्रवार के दिन दोनों घूमने या फिरने कहीं भी किसी मनोरंजक स्थल पर जरूर जाएं। केवल गुलाब या सफेद फूल ही खरीदें, कोशिश करिएगा। घर लाकर उन फूलों को शयन कक्ष में रखना बहुत जरूरी है। उनको आप कुछ समय के लिए रखिए, आपको फायदा दिखेगा। पति पत्नी सोते समय पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोएं, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक बात और बता दूं, शयन कक्ष में देवी देवताओं की प्रतिमा, फोटो, चित्र आप बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा करने से आप बचिएगा। किसी भी शुक्रवार को हल्की सुगंध वाला इत्र या परफ्यूम आपको खरीदना है, विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन। पति पत्नी दोनों ही इस इत्र को या परफ्यूम को देवी लक्ष्मी को, भगवान नारायण को अर्पित करेंगे और फिर उस इत्र का या परफ्यूम का आपको प्रयोग करना है। ध्यान रखिए कभी भी तीखी सुगंध का प्रयोग आपको नहीं करना, हमेशा तेज सुगंध वाली चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। तो महिलाओं के लिए सेहत और सम्मान को लेकर एक विशेष उपाय है, वो आपको दें। लेकिन पहले जान लीजिए तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। मित्र को मनाने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा का योग दिख रहा है। प्रेम में सफलता का योग भी है। गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। बात करते हैं धनु राशि की। मन में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। संतान प्राप्ति का योग है। धन खर्च पहले से ज्यादा हो जाएगा। आज के लिए जो शुभ रंग होगा वो होगा लाल। अब आपको बता देंगे जो दाम्पत्य जीवन के अंदर खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, अलगाव हो जाता है, इसको एक महा उपाय से, छोटे छोटे महा उपाय अपनाने से या विशेष तौर पर
भगवान गणेश की पूजा अर्चना से आप इसको दूर कर सकते हैं। क्या करना है? अपने घर के आग्नेय कोण में, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण और पूर्व का कोना, उस जगह पर हरे रंग के भगवान गणेश की श्री विग्रह को या चित्र को आप स्थापित करें और उनके सामने शुद्ध घी का एक दिया आपको जलाना है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय या फिर शाम को प्रदोष काल के समय देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और यह मिठाई किसी जरूरतमंद महिला को आपको जरूर देनी है। उसके बाद बची हुई मिठाई में से आप थोड़ी सी मिठाई जरूर खाएं। इस दिन संभव हो तो खट्टी चीजों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। पति पत्नी को सोने के लिए ससुराल से मिले पलंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और राहु का दुष्प्रभाव भी हर तरीके से कम होने लगता है। अपने पलंग के चारों ओर या चारों उसके पाओ में कोनों पर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा या बारीक पतरा जो हो चांदी का, उसे आप जरूर चिपकाएं। बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा। पति पत्नी को कुंडली दिखाकर और उसका आकलन करके ही अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के उपाय करने हैं। ऐसे ही किसी के कहने पर हीरा धारण बिल्कुल भी ना करें। पत्नी को सोने का छल्ला और पति को चांदी का छल्ला गंगा जल से शुद्ध करके जरूर धारण करना है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन में कुछ ग्रह अलगाव करा देते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना, ज्योतिष गुरु के छोटे छोटे से उपाय आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर जरूर बनाएंगे। अब समय हो चला है मकर कुंभ मीन राशि के राशिफल को जानने का, वो भी जान लेते हैं। मकर राशि, जरूरी काम समय पर करें, अपने पिता की सलाह जरूर लें, रिश्तों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पुरानी इच्छा आज पूरी होगी, अपना भेद किसी को ना दे तो बेहतर होगा। व्यापार में परिवर्तन का योग है, शुभ रंग होगा आपके लिए कत्थे। मीन राशि, मानसिक तनाव बना रहेगा, अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें, संबंधों में दरार आ सकती है, थोड़ा सा बचिएगा, संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरु। अब हर दिन की भांति समय हो चला है सफलता के अचूक महामंत्र और महा उपाय को आपसे साझा करने का। तो कौन सा है आज का महा उपाय, आपको समझाते हैं। एक कटोरी में आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें, उसमें गंगा जल मिलाकर एक लेप तैयार करें और इस लेप के जो तिलक है वो आपको पीपल के वृक्ष पर करना है और स्वयं भी तिलक कर लीजिएगा, अपने कार्य के लिए चले जाइएगा, आपका कार्य जरूर सफल होगा। अब बात करते हैं माताओं और बहनों के सेहत और उनके सम्मान की। हमारी माताएं बहनें अक्सर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनावग्रस्त हो जाती है, मानसिक तनाव हो जाता है, तो भाई हमारी माताओं बहनों का स्वस्थ रहना और खुश रहना बेहद जरूरी है, तभी तो हमारे घर में अन्न और धन की बरकत होगी। और उनकी रेस्पेक्ट कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। सेहत के तौर पे आज उनकी तनाव की समस्या को खत्म करने के लिए वो अपने नहाने वाले पानी में आधा चम्मच गंगा जल डालकर नहाएं और हो सके तो तनाव को कम करने के लिए मौसमी फल, संतरा या अंगूर का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से उनका तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब कैसे हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिले जिनकी वो हकदार हैं, वो कैसे संभव होगा वो भी आपको बताते हैं। एक साबुत हल्दी की गांठ अपने बाएं हाथ में आप बांध लीजिए, बाएं कलाई पर थोड़ी देर के लिए बांध लीजिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होगी, क्योंकि देवगुरु आ चुके हैं अपने घर यानी कि मीन राशि में, तो हर तरीके से वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अब बात करते हैं हर दिन की तरह रसोई घर के एक ऐसे महा उपाय की जो आपकी एक समस्या को खत्म कर देता है। आपको एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी पीली सरसों रखनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी कपूर रखना है। अब इसको पोटली का स्वरूप देते हुए पीले धागे की मदद से बांधकर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए।
मात्र इतना सा करके देखिए, आज ही के दिन करके देखिएगा, आपके आर्थिक नुकसान बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में खटास ले आती है, उनको शांत करने का तरीका क्या है। आज का दिव्य मंत्र हमने आपको विशेष तौर पे दिया ताकि आपकी एक समस्या खत्म हो जाए। तो ज्योतिष गुरु के छोटे छोटे ये उपाय आप जरूर अपनाएं ताकि आपकी हर दिन दैनिक दिनचर्या में आने वाली समस्या खत्म हो जाए। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.